कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज के लिए गठित रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ होम आइसोलेट मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी IMSO तथा RRT को निर्देश दिए कि होम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमितों की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते रहें और उन्हें उचित सलाह और उपचार की व्यवस्था करें, जिससे उन्हें लेवल 3 के अस्पताल में ना पहुंचना पड़े। सीडीओ ने कहा कि अगर RRT अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करे, जिससे कोरोना संक्रमितों को समय रहते उपचार हो सके। बहुत ही हमारी पसंद का नहीं है, सब खाना होगा और क्या है सर, पहले कितना लाइन में आता था। हम तो देखेंगे भाई, हम बहुत स्टडी करते हैं, सर देखें कहते कोई चढ़ गया बजेगा नहीं होगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, विल टेक इट टू टास्क। पीछे करके आया मैं, यहाँ नहीं उस फॉर्म में आया, लेकिन आप जान बुझ के गलती कर दो, डू नॉट डू, क्यों, क्योंकि मेरे नागरिक मर, उनकी जिम्मेवारी उसी के लिए हम यहाँ और उसी के लिए रात दिन लगे हुए, और टीम लगेगी तभी जीतेंगे, ये भी इसलिए था, और टीम का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, और हाथ को उसका चेक कर लो, अगर ये भी नहीं है उसको बोलो कि अपनी सांस रोक, गिनती गिन, अगर वो 25 तक गिन लेता है तो लग्स थी, 25 से ऊपर चले गया तो बिल्कुल ठीक, और अगर 10 में उसकी सांस फूल गई तो आप समझ लो कि इसको मुझे शिफ्ट करा, अपना भी कर सकते हो, अगर 20-25 तक पहुँच गए तो ठीक है लग्स, कोई समस्या नहीं, और अगर 10 में ही भूल गई, 15 तक जाते जाते एकदम सांस छोड़ना पड़ गया, तो समझ लो ये पेशेंट यहाँ पे घर पे रहने लायक नहीं है, ये करके आना है आपको, वहाँ खड़े होके रेस्पिरेटरी काउंट कराइए उसको खड़े करके, मुझे खड़े हो जाओ रेस्पिरेटरी काउंट कर, सांस रोक के कर दीजिए, अपने नोडल को बंद कर दीजिए, ये पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसको घर में मत रखिए, अपनी चोट रिमार्क लिख दीजिए, एज ए मेंबर ऑफ RRT डॉक्टर स्वयं सो I recommend this patient should be in L1, L2, L3. This is a serious condition, comorbid. ठीक है, उसका ये failure है, ये failure है, जो सब लिख के दे दिए, मैंने पाया, मैंने बातचीत में पाया, अपने आपको सेव करिए, चलने में जैसे कई पेशेंट बीमार हो गए तो चल, मानसिक उसको एकदम लग रहा है कि मैं मेंटली लॉस्ट हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या है, बोलने में समस्या आ रहा है, आप जाके आए पेशेंट को कुछ हो गया तो आप बोलोगे कि ये पेशेंट ने लिख के दिया, उसका जो केयर टेकर, ये भी आपकी ड्यूटी में, जब से पूछा भी जाएगा, जैसे आज पूछा गया जिन चीज से वो बता नहीं पाइए, कि रोगी को हर समय 3 लेयर का मास्क पहने रखना, मास्क को 8 घंटे बाद चेंज करना, ये बताना है उसको, और पहले अगर गीला हो जाए या गंदा हो जाए तब भी चेंज करना, N95 को धो के दोबारा नहीं यूज करना, ये भी बताना है, जब वो N95 यूज करना, उसको ये भी बताना है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से जिस जिस एरिया में वो रह रहा है सबको धोना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत अच्छा इफेक्टिव सैनिटाइजर है जो सर्फेसेस को बहुत अच्छे से सैनिटाइज करता है, उसको बोलना है कि एक चिन्हित कमरे में ही रहना है, दूसरे लोगों से बिल्कुल नहीं कॉन्टैक्ट में आना है, स्पेशली उन बुजुर्गों से जिनका हाई BP है, हार्ट के मरीज है, किडनी के मरीज है या कैंसर के मरीज है, अगर उस घर में है तो कोरोना पेशेंट उनके टच में बिल्कुल नहीं आएगा, ये आपको कोरोना पेशेंट को समझाना है, सारा दिन बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, खूब पानी पिएगा या लिक्विड तरल पदार्थ पिएगा, रोगी को ये बताना है आपने कि खूब पानी पिए, और अपने जो ये सांस की नली है इसको क्लीन रखना है, मान लो उसमें बलगम हो रही है या कुछ हो रही है उसको साफ रखना है, गार्गल करें, ये सब बताइए उसको, और हाथ को कम से कम 40 सेकेंड धोना है, धोने के भी एटिकेट समझाओगे उसको, जिन जिन चीजों को टच कर रहा है घर में उसको सैनिटाइज करेगा, कोई सोडियम हाइपोक्लोराइड, जितने निर्देश फोन पे दिए गए आपके द्वारा दिए गए उसका पालन करेगा, और जो जो पैरामीटर डॉक्टर
आपको बताएंगे।